युवा बांग्लादेशी क्रिकेटर मोहम्मद सोजीव का शव बीते शनिवार 14 नवंबर को उनकी घर पर मिला। खबरों के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी कर ली। 21 साल के सोजीव बांग्लादेश के राजशिशी शहर के निवासी थे। वो साल 2018 में अपने देश की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, जिसकी कप्तानी सैफ हसन ने की थी। हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इससे पहले वह बांग्लादेश की अंडर 19 एशिया कप टीम का हिस्सा थे। साल 2018 में उन्होंने सिनेकपुर तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 9-0 और 1 रन बनाए थे। मार्च 2018 से उन्होंने एक भी प्रतियोगी मैच नहीं खेला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के गेम डेवलपमेंट मैनेजर अबू इनाम मोहम्मद ने सोजीव के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया। सोजीव को आगामी बगबंधु क्रिकेट कप का हिस्सा नहीं बनाए गए थे। अबू के मुताबिक सोजीव को इस T20 टूर्नामेंट से दूर रखा गया था, शायद इसीलिए उन्होंने इतना सख्त कदम उठाया। अबू इनाम मोहम्मद ने कहा कि सोजीव 2018 बैच का हिस्सा थे, जिसमें सैफ और आसिफ हुसैन शामिल हैं। वर्ल्ड कप में वह स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर रहे। उन्होंने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला। अब ये सुनकर काफी दुख हो रहा है कि यह कहना मुश्किल है कि वह तनाव या किसी और चीज से परेशान थे। वह कुछ सालों से रेगुलर क्रिकेट का हिस्सा नहीं थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर खालिद महमूद के मुताबिक सोएज पिछले कुछ सालों से टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो सुना इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। वह सलामी बल्लेबाज और मीडियम पेस गेंदबाज थे, जो शिकेनपुर क्रिकेट क्लब का हिस्सा था।